जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कमांडो स्कूल बलगाम और स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल नाहन में क्या अंतर है। देखिए, दोनों ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन कमांडो स्कूल बलगाम में किन सब फोर्सेस को ट्रेनिंग दिया जाता है, वहीं पर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल नाहन में कौन से स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग दिया जाता है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, ये वीडियो मैं जिस डेट पे बना रहा हूँ इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो यूट्यूब पर नहीं था, आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो एकदम टू दी पॉइंट परफेक्ट मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कमांडो स्कूल बलगाम की। कमांडो स्कूल इंडियन आर्मी के कमांडोज की एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो बलगाम कर्नाटका में स्थित है। यहाँ पर इंडियन आर्मी के घातक कमांडोज को ट्रेन किया जाता है। इंडियन आर्मी के हर एक इन्फेंट्री बटालियन में एक घातक प्लाटून होता है। कमांडो स्कूल बलगाम से ट्रेनिंग लेने के बाद कमांडोज इसी घातक प्लाटून का हिस्सा बनते हैं, उन्हें कहा जाता है घातक कमांडोज। ये कमांडो कोर्स ऑफिसर्स और सोल्जर्स दोनों ही कर सकते हैं। कमांडो स्कूल बलगाम में जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो 35 दिन का होता है। इस 35 दिन की ट्रेनिंग में एक सोल्जर को अनआर्म्ड कॉम्बैट, डे एंड नाइट नेविगेशन, क्लिफ क्लाइंबिंग, हेलीबॉर्न इंसर्शन, वेपन ट्रेनिंग, जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में इंडियन आर्मी से ही एक ट्रेंड पर्सन को घातक कमांडोज बनाया जाता है। घातक कमांडोज बनने के बाद उसकी एफिशिएंसी बहुत ही हाई हो जाता है। घातक कमांडोज का काम है वॉर टाइम और पीस टाइम में डायरेक्टली दुश्मनों के साथ में एंगेज होना और ज्यादातर एनिमी लाइन को क्रॉस करके दुश्मन को खत्म करना, यानी कि आसान भाषा में कहे तो दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को मारने का काम ये घातक कमांडोज करते हैं। ये घातक कमांडोज अनआर्म्ड कॉम्बैट में हाईली ट्रेंड होते हैं। वॉर टाइम सिचुएशन में इन्फेंट्री बटालियन के घातक कमांडोज दुश्मन के साथ में सबसे पहले एंगेज होते हैं। वॉर टाइम में इंडियन आर्मी का कोई भी बटालियन अगर आगे बढ़ रहा है तो फ्रंट लाइन में घातक कमांडोज ही रहेगा, इसीलिए इंडियन आर्मी में इन्हें फ्रंट लाइन फोर्स या फिर शॉक कमांडोज भी कहा जाता है। शॉक कमांडोज इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही छोटी टुकड़ी होकर के दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं, तबाही मचाते हैं, दुश्मन को मारते हैं, रेड्स करते हैं और वापस आ जाते हैं और दुश्मन शॉक में रहता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। और इसी तरह के टेक्निक और एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए उन्हें कमांडो स्कूल बलगाम में ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग में घातक कमांडोज को बैटल गियर के भारी वजन के साथ 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की स्पीड मार्च करना होता है। कुछ ऑफिसर्स ये भी कहते हैं कि वो अपने जिंदगी में इतना टफ ट्रेनिंग कभी नहीं किया था। मेजर मोहित शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, ये सभी इसी कमांडो कोर्स को कंप्लीट किए थे। अब बात करते हैं SFTS यानी कि स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल नाहन की। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्थित है। ये स्पेशल फोर्सेस का सबसे बड़ा ट्रेनिंग बेस है। यहाँ इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस पैरा SF को ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा भी नेवी और एयरफोर्स के मार्कोस और गरुड़ कमांडोज भी यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए 90 दिन की पैरा प्रोविजन को क्लियर करने के बाद उन्हें स्पेशल फोर्सेस के बेसिक ट्रेनिंग के लिए SFTS भेजा जाता है। हाँ, उनकी ट्रेनिंग 6 महीने से 1 साल होता है, डिपेंडिंग ऑन बटालियन। जैसे 9 पैरा SF की ट्रेनिंग यहाँ पर 6 महीने की दी जाती है। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में उन्हें एक्चुअली स्पेशल फोर्स बनाया जाता है। उनकी माइंडसेट एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, एडवांस पैरा जंप की ट्रेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बेसिक माउंटेन वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, एंड्यूरेंस, अनआर्म्ड कॉम्बैट में इन्हें ट्रेन किया जाता है। इस स्कूल से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक नॉर्मल सोल्जर से वो बनते हैं पैरा SF कमांडो। तो कमांडो स्कूल बलगाम में जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो 35 दिन की एक कमांडो ट्रेनिंग होती है, जिस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एक सोल्जर बनता है घातक कमांडो। वहीं पर SFTS में ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वो बनते हैं इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो। अब देखिए, इन दोनों इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, ट्रेनिंग पैटर्न है, वो समय और नीड के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, लेकिन आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आज की डेट के हिसाब से सही है। हो सकता है आने वाले कुछ ही महीनों में, 1-2 साल में इस ट्रेनिंग पैटर्न को चेंज कर दिया जाए, लेकिन इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो आशा करता हूँ इन दोनों का जो एक्चुअल डिफरेंस है वो मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।